तो बाइनोमियल जो प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें हम जो हमारे जो घात है, जो हमारे उनके जो जो घात है उनके नंबर अगर बढ़ते जाते हैं हमेशा, तो उनके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जो यूज करते हैं उसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक ये द्विपद है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल x प्लस y की जो के ब्रैकेट क्लोज और 6 है, इसकी पावर 6 है, तो 6 पावर के लिए हम क्या बनाएंगे, हर बार हमारा देखना, आप अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में देखेंगे जो हमने सॉल्यूशन किया है, हमारा x की पावर तो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। आप देखना x की पावर 6 है ना, x की पावर 5 है, x की पावर यहाँ पर फिर हमारी 4 हो जाएगी, है ना, x 5 ये 4 हो जाएगी, देन x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी, मतलब x की पावर तो हमेशा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब देखेंगे x की पावर 6 5 4 3 2 1 और ये 0 हो गई, लेकिन ये भी देखेंगे कि जो y की पावर है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। देखो एक y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 5 और y की पावर 6। इसको मैं अगेन आपको मैं एक बार दिखा दूं, देखते हैं, जैसे कि x की पावर हमारी 7 थी या 8 है, तो इसके लिए हमको जो फॉर्मूला है हमको मेक करना पड़ता है, x की पावर 8 है, तो हम सबसे पहले x की पावर 8 से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 तक जाना है हमको। इसी टाइप से हम जो y की पावर है उसको हम बढ़ाते जाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 6, y की पावर 7 और y की पावर 8। तो यहाँ से हमको दो चीजें समझ है कि एक तो इसमें क्या होता है, जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, फॉर्मूला पेक करेंगे, तो जो x की वैल्यू है, जो हमारा फर्स्ट वाली टर्म है, उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा हमारी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जो दूसरी टर्म हमारी y, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो इस तरीके से हम जब भी पेक करेंगे ये दो चीजों का हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है, घटते क्रम में लिखते जाना है, और जो y की वैल्यू है हमारी वो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना है। तो दो चीजें हम ध्यान रखेंगे, और एक चीज और ध्यान रखना है, जितनी पावर होगी ना उसके जो जितने कोफिशिएंट होंगे उनके भी जो नंबर है उनको ऐड करने पे उतना ही आना चाहिए। तो देखो x की x प्लस y की पावर 8 है, तो यहाँ पर 8 मतलब 8 और 0 8, दोनों की हम जो पावर को अगर ऐड करते हैं तो 8 होना चाहिए, 8 और 0 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8 होंगे, 6 और 2 और 6 ये भी 8 होंगे, 1 और 7 8 होंगे और 0 8 भी 0 होंगे। तो ये दो चीजों का हमको दो तीन चीजें हैं, जब भी फॉर्मूला मेक करेंगे बाइनोमियल के लिए तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे। और अगर हम जो हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसके बेसिस पे भी देखें, तो उसके बेसिस पे भी क्या हुआ, जो एनसीआर है उसमें भी हम यही करेंगे, जो 5 है एन की वैल्यू को भी क्या करते जाते हैं, हम क्या करेंगे, डिक्रीज करते हो जाएंगे, तो 5 4 3 2 1 और 0, और जो हमारे आर का नंबर है उसको हमेशा बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगर हमसे यहाँ पर अगर 5 पूछते हैं, मतलब जो हमारी पावर है बाइनोमियल की 8+b की पावर 5 होती है, तो हम इस टाइप से बनाते हैं उसको कि 5c0 4c1 3c2 2c3 1c4 और 0c5। तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला मेक करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको यहाँ पर अगर 20 भी देते हैं तो आपको इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में उनको जमाते हुए जाना है, और हम ये जो हमारा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है उससे हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आपको एक इस टाइप का इस जो एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सपांड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/6 की पावर की ऑल द पावर 6, मतलब इस पूरे की पावर 6 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको दोनों टर्म देखनी है, फर्स्ट टर्म तो हमारी एक्स हो जाएगी और सेकंड 1/6 होगी, तो एक्स प्लस वाई की पावर 6। यहाँ से भी अगर हम फॉर्मूला उस तरीके के फॉर्मूले में भी मेक करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से जैसे कि भाई x की पावर 6 तो y की पावर यहाँ पर y क्या है 1/6, तो 1/6 की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर तो 0 तो मतलब हम लिखेंगे नहीं, y को तो लिखेंगे नहीं, then 6 c1 ये मतलब अगर हम इनके नंबर को आगे भी बढ़ाते जाए तो c1 और x की पावर क्या हो जाएगी हमारी, ये x की पावर हुई, x की पावर 6 लिखी, अब x की पावर हमने क्या लिए 5, तो जो y की पावर है वो 1 होनी चाहिए है ना, x की पावर जैसे कि जो 7 है तो y की 1 हुई, इसी टाइप से यहाँ 5 ले रहे थे, यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगी हमारी और बढ़ाते जाएंगे, x की पावर 0 से x की पावर 1 हुई, देन
यहाँ पर हमने x की पावर 4 ली, तो उसके हमारे सेकंड पावर क्या हो गई है, 2 हो गई है, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2। इसी तरह से हमने फिर पावर को आगे बढ़ाया, x की पावर 3 तो 1 बाय 6 की पावर भी 3, मतलब यहाँ पर इक्वल इक्वल हो गए दोनों, क्योंकि 6 नंबर ले रहे हैं। फिर 6 की पावर हम जो हमारे x की पावर ये जैसे कि यहाँ तक 4 तक हो गई, यहाँ 3 तक हो गई, अब 2 तक ली x की पावर 2, तो 1 बाय x की पावर 4 हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, y की पावर को बढ़ाते जा रहे हो, x की पावर को डिक्रीज कम मतलब हमेशा कम करते जा रहे हो। आगे क्या होगी, x की पावर हमारी यहाँ पर 1 हो गई, तो y की पावर 1 बाय मतलब 5 हो जाएगी, और इसी टाइप से x की पावर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो गई है, इसलिए हमने देखो यहाँ पर x को लिखा ही नहीं है, सिर्फ जो y की पावर है हमारी 1 बाय 6 की पावर को लिखा है। अब जब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं x की पावर 6, और यहाँ से जो हमारा x है x पूरा कट जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या बचेगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा, अगेन यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और x से ये जो 2 पावर है इसकी 2 पावर से ये पूरा इसकी 2 पावर कट जाएगी, x की पावर 4 से तो x की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ से पूरी की पूरी पावर हमारी बढ़ जाएगी, x की पावर 3 से x की पावर 3, तो सिर्फ ओनली क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हम लिखेंगे ही नहीं इसके साथ कोई भी x और y का कोफिशिएंट। और अब अगेन फिर हम देखेंगे कि x की पावर 2 और 1 बाय 4 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की पावर 2 से x की पावर 4 को कट करते हैं, तो x की पावर 2 y के लिए बचेगी, तो x की पावर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, और अगेन फिर लास्ट वाली जो हमारी x की पावर 5, ये 5 और ये 4 है, तो x की पावर 5 से 4 को कट करते हैं, तो सिर्फ एक ही बचेगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी, और लास्ट में हमारा एडजस्ट आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 6। तो इस तरीके से आपको एक्सपांड करना है, और यही ध्यान रखना है कि जो x की पावर है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और जो y की पावर है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आपको ये दो चीजों का ध्यान रखें, और दोनों का ये भी ध्यान रखना है कि जो उनके उनकी जो मान है, उनकी जो पावर है, उनका दोनों का रेट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो एक्सपांड वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।